सलाम दोस्तों, हक मौजूद, मैं हूँ अशफाक ख्वाजा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जैसा कि काफ़ी लोग मुझे जानते होंगे क्योंकि वो मेरे चैनल पे जो है वो काफ़ी टाइम से वीडियोस देखते हैं, तो जो लोग नए हैं तो मैं उनको बता चलूँ कि मैं अभी इस वक्त चाइना में हूँ और यहाँ पर मास्टर्स कर रहा हूँ। मैंने बैचलर्स जो है वो चाइना से किए और यहाँ पर अभी जो है वो मास्टर्स में इनरोल हुआ हूँ। तो मैं चाइना के हवाले से मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे और चाइना की लाइफ के हवाले से जो है वो ब्लॉग्स बनाता रहता हूँ। तो जिन्होंने अभी तक मेरा YouTube का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा YouTube का चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियोस बनाता हूँ उनके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो आज की वीडियो किस हवाले से होगी, आप टॉपिक देख के समझ गए होंगे आज की वीडियो के हवाले से जो है वो मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ। तो जी हाँ, आज का दिन जो है वो मैं आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पर चाइना में जो है वो मास्टर्स के जो स्टूडेंट हैं उनका दिन कैसे गुजरता है, उनकी क्या मसरूफियात होती हैं, तो उस पे जो है वो मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो अभी सुबह के जो है वो 8 बजे है और मैं जा रहा हूँ क्लास लेने के लिए क्योंकि जो है वो सर्दियाँ भी हैं तो आपको पता है कि मॉर्निंग क्लास जो है वो बड़ी मुश्किल लगती हैं, लेकिन क्या करें, हफ्ते में तकरीबन 3 से 4 दिन हैं मॉर्निंग क्लासेस। तो यहाँ पर क्लास रूम्स जो हैं वो पूरे चाइना में तकरीबन सब यूनिवर्सिटीज़ में एक जैसा ही बने हुए हैं। आपने शायद मेरी पुरानी वीडियोज़ में देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप मेरी पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं कि क्लासरूम जो है वो यहाँ पे किस तरह होते हैं। तो सबसे पहले जो है वो ये हमारी यूनिवर्सिटी का मेन गेट है, आप देख रहे हैं ये मेन गेट, ये मेन कैंपस है। हम जो रहते हैं वो साउथ कैंपस में रहते हैं तो हमें साउथ कैंपस से मेन कैंपस जाना पड़ता है, तकरीबन जो है वो 15 से 20 मिनट की वॉक है उस बिल्डिंग पहुंचने में जिधर मेरी क्लास है। मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया होगा। तो यहाँ पे जो है वो गेट पे सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो कार्ड चेक करते हैं कभी कभी। पहले तो ये मास्क वगैरह भी चेक करते थे यहाँ पे, हेल्थ कोड चेक करते थे, लेकिन मतलब जब वो चेक करते हैं तब जब मतलब कि केसेस वगैरह आते हैं, तो अभी कोई केसेस वगैरह नहीं आए हुए तो ये चेक नहीं करते यहाँ पर। तो कल इन्होंने जो है वो कार्ड यहाँ पर चेक किया था, स्टूडेंट कार्ड। यहाँ पर जो है हमारा एक कैंपस कार्ड होता है, इसको हम कैंपस कार्ड भी बोलते हैं, स्टूडेंट कार्ड भी बोलते हैं, शायद आपने देखा होगा इसको मेरी पुरानी वीडियोस में। तो यहाँ पे ये चेक करते थे कभी कभी करते हैं यहाँ पे चेक। तो उस कार्ड से जो है वो हम मतलब कि गर्म पानी जो है वो रूम में उसको यूज़ कर सकते हैं मशीन पे उसको स्वाइप करके, और उसके अलावा मेन गेट जो है हमारे हॉस्टल का डोमेट्री का उसको जो है वो हम स्वाइप करके उसकी मदद से हम उसको गेट को भी खोल सकते हैं। तो काफ़ी मतलब के सहूलियात हैं, लाइब्रेरी में भी जो है एंटर हो सकते हैं इस कार्ड से। चूँकि मॉर्निंग क्लास है वो 8 बजे स्टार्ट होती है तो प्रोफेसर ने बोला है कि आप जो है वो क्लास में ब्रेकफास्ट लेके आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको जो है ना क्लास में बात नहीं करनी, मतलब कुछ भी करें, आप खाना खाएं, नाश्ता करें, मतलब कि मोबाइल चलाएं, गेमें खेलें, गाने सुने, लेकिन मतलब कि अपने हद तक, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना है और जो है वो मतलब बात नहीं करनी, शोर नहीं करना क्लास में। तो मैंने जो है अपना ब्रेकफास्ट लिया है, केक चूँकि मैंने खा लिया, और ये मिल्क का जो है वो ये डब्बा ये मैं लेके जाऊंगा क्लास में, उधर जाके मैं पीऊंगा आराम से सुकून से लेक्चर सुनते वक्त। असल में जिस कोर्स की भी क्लास है उस कोर्स का नाम है एसे राइटिंग। तो आप समझ सकते हैं कि एसे राइटिंग मतलब कि एक थ्योरेटिकल कोर्स है, तो इसमें मतलब कि बंदे को नींद भी आ जाती है, बंदा बोर हो जाता है, लेकिन ये प्रोफेसर जो है वो काफ़ी हद तक हमको एंटरटेन करने की कोशिश करता है क्योंकि मॉर्निंग क्लास है तो हम जो है वो बोर भी नहीं हो और हम काफ़ी कुछ जो है ना लर्न कर सकें। तो यहाँ पे जो है वो प्रोफेसर हमें पेपर किस तरह लगते हैं, एकेडमिक पेपर वगैरह ये वो, तो उस हवाले से जो है वो हमें टीच करता है। आजकल जो है वो प्रेजेंटेशन चल रही हैं, कल भी जो है वो काफ़ी ग्रुप्स ने प्रेजेंटेशन दी थी, तो आज भी इस तरह ही होगा, दूसरे ग्रुप्स जो हैं वो प्रेजेंटेशन देंगे। अच्छा, क्लास में हमारे साथ जो है वो चाइनीज़ भी होते हैं, चाइनीज़ स्टूडेंट्स। चूँकि मैं जो पुरानी यूनिवर्सिटी में था तो वहाँ पर मैं बैचलर्स कर रहा था, तो उस वक्त हमारा जो मेजर था वो इंग्लिश में था लेकिन हमारे साथ चाइनीज़ नहीं होते थे। तो यहाँ पे भी मेरा मेजर जो है वो इंग्लिश में है लेकिन यहाँ पे चाइनीज़ हमारे साथ पढ़ते हैं, कुछ कोर्सेज, सब कोर्सेज नहीं लेकिन कुछ कोर्सेज जो हैं वो चाइनीज़ हमारे साथ पढ़ते हैं इंग्लिश में। तो फाइनली मैं इस बिल्डिंग के पास पहुँच गया हूँ, ये ऊपर अब नाम शायद देख रहे होंगे, साइंटिफिक एजुकेशन बिल्डिंग खचाओ लो। तो यहाँ पर जो है वो ये दो बिल्डिंग है, एक नॉर्थ और दूसरी साउथ। ये फ्रंट वाली जो है ये नॉर्थ है और उसके बैक साइड पे जो है वो साउथ है। तो हमारी क्लास जो है वो साउथ बिल्डिंग में है, मैं अभी अंदर जाऊंगा।
यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर चेक करने के लिए जो है उन्होंने ये टेबल रखा हुआ है और ये थर्मामीटर भी रखा है, लेकिन कभी कभी चेक करते हैं। मैंने आपको बताया ना, जब केसेस आते हैं तो चेक करते हैं, वरना जो है वो नहीं करते। मतलब आसानी जो है वो यहाँ पे है, इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं है। लोग जिस तरह बोलते हैं कि भाई चाइना जो है वो बड़ा सख्त है, ये वो कानून वगैरह, तो यहाँ पे मतलब थोड़ी बहुत आसानी दे देते हैं हमें। तो फाइनली जो है वो मैं क्लासरूम में पहुंच गया हूं। अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई, कुछ टाइम पड़ा हुआ है, शायद 3-4 मिनट पड़े हुए हैं अभी। तो दोस्तों जो है वो एक क्लास ख़त्म हो गई है, तो अभी बाहर हम आए हैं इस दूसरी बिल्डिंग के पास जिधर हमारी दूसरी क्लास होनी है अभी। तो 10 मिनट का जो है वो रेस्ट होता है, मतलब कि आप क्लास अपनी चेंज कर सकते हो, क्योंकि क्लास दूसरी फिर बिल्डिंग में होती है, तो 10 से 15 मिनट का टाइम होता है। हम जो है वो बिल्डिंग चेंज करते हैं, क्लास चेंज करते हैं अपनी। तो अभी मैं यहाँ पर आया हूँ दूसरी बिल्डिंग में, अभी आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर हमारी जो है वो AI की क्लास है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो ये भी जो है वो तकरीबन थ्योरेटिकल क्लास है, मतलब प्रैक्टिकल है लेकिन बहुत मतलब कम। तो वो इंट्रोडक्शन में जो है वो प्रोफेसर जो है वो इतना जो है वो प्रैक्टिकल नहीं करवाता, मतलब कि बस इंट्रोडक्शन जो एल्गोरिथम वगैरह है वो खाली पढ़ाता है। तो अभी अंदर जाऊंगा मैं। यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स बाहर खड़े हैं, क्योंकि सर्दी है तो उससे ज़्यादा धूप में खड़े हैं, मतलब कि थोड़ा रेस्ट करें 5-10 मिनट। तो दोस्तों अभी जो है वो 12 बजने वाले हैं और हमारी क्लास ख़त्म हो गई थी तकरीबन 5 मिनट पहले। तो मैं भी यहाँ पे शॉप पे आया हूँ, हलाल शॉप पे। यहाँ पे जो है वो लंच करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे जो कैंटीन भी है तो वहाँ पे कैंटीन में मुस्लिम जो है वो खाना मिल जाता है, लेकिन आज जो है वो हम यहाँ से गुजरे तो यहाँ पे शॉप में हम आ गए। तो यहाँ पर दिखाऊँगा, आपने पुरानी वीडियो में भी देखा होगा लाचो लामियन की शॉप वगैरह। तो यहाँ पर जो है वो मेरे साथ एक यमनी दोस्त है, यमनी जो है दोस्त है, वो PhD यहाँ पे कर रहा है, तो वो भी मेरे साथ है इधर माया में। तो दोस्तों अभी यहाँ पे मौजूद हैं हलाल शॉप पे, और मैंने ऑर्डर किया हुआ था थुदो न्यूरो लामियन, पटेटो बीफ नूडल्स। तो ये भी आप देख रहे हैं, तो ये जो है यहाँ पे हमारी अमूमन जो है हम कह सकते हैं कि हम रोज़मर्रा में जो है ना ये खाते हैं नूडल्स। तो दोस्तों खाना खाने के बाद जो है वो 12:30 बजे मैं गया था रूम में, तो फिर वहाँ पे जो है थोड़ी देर रेस्ट की थी, उसके बाद कुछ होमवर्क वगैरह था वो किया था। तो अभी जो है वो तीसरी क्लास है, तो मैं जा रहा हूँ वहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर मास्टर्स और PhD वालों को जो है वो लैब में जाना होता है। तो चूँकि अभी हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में और फर्स्ट ईयर में बहुत सारी क्लासेस हैं, तो प्रोफेसर ने बोला है कि आप जो है वो अभी क्लासेस वगैरह लें और जो फ्री टाइम आपके पास है उसमें रेस्ट करें या रूम पे जो है वो काम करें अपना।
तो फिर नेक्स्ट ईयर से जो है फिर मैं लैब ज्वाइन करूँगा। A lot of capital data, they are just has structure. Different kinds of nodes are interconnected. तो दोस्तों अभी 5:40 हुए हैं और अभी क्लास ख़त्म हुई है, तो आप देख रहे हैं अंधेरा हो गया काफ़ी, क्योंकि अभी सर्दियां चल रही हैं तो दिन छोटा है इस वजह से। अभी मैं जाऊंगा खाना खाने के लिए, मैं जब जाऊंगा उधर पहुंचूंगा मतलब शॉप तक, तब तक 6 बज जाएंगे। तो 6 बजे मतलब यहाँ पर खाना खाया जाता है चाइना में, वो पता होगा, मैंने काफ़ी वीडियोज़ में बताया हुआ है, और जो लोग चाइना में हैं उनको तो पता ही होगा कि तकरीबन जो है ना 6 से 7 बजे तक डिनर टाइम होता है। तो अभी मैं खाना खाऊंगा, उसके बाद जो है ना फिर एक क्लास है, मतलब 7 बजे वो क्लास स्टार्ट होगी, तो वो 7 बजे स्टार्ट होगी और 8:40 पे वो क्लास ख़त्म होगी। तो इन कंक्लूजन बस यही है कि डेली जो है वो 3 से 4 क्लासेस होती हैं हमारी, तो 1-2 जो है वो ऑनलाइन भी होती हैं हमारी, और बाकी यहाँ पर फिजिकल हम लेते हैं, और चाइनीज़ लैंग्वेज की भी क्लास होती है हमारी, तो वो ऑनलाइन होती है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वो उस लेवल के हैं, तो वो यहाँ पे फिजिकल यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो वो ऑनलाइन होती है इस वजह से, क्योंकि इनका एक रूल है कि भाई इतने स्टूडेंट्स होने चाहिए तब वो जो है क्लास फिजिकल हो सकती है, अदरवाइज़ जो है फिर वो ऑनलाइन होगी, तो उस वजह से जो है ऑनलाइन होती है। बाकी ये कि आजकल यहाँ पर हालात जो है फिर जो है वो मज़ीद ख़राब हो रहे हैं, खैर मज़ीद ख़राब तो नहीं हो रहे, केसेस तो यहाँ पर डेली की बेसिस पर आते रहते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे जब केसेस वगैरह आते हैं तो ये मतलब ज़्यादा, मतलब जब सिटी में आते हैं ना तो फिर वो आपके जो है वो मास्क वगैरह चेक करते हैं कि भाई मास्क पहनो, और जो है वो सब कुछ चेक करते हैं, कोड वगैरह, हेल्थ कोड वगैरह। लेकिन जब केसेस वगैरह नहीं होते तो जो है फिर वो रिलैक्सेशन देते हैं कि भाई आप जो है वो मतलब अपने हिसाब से चलें फिरें, कोई मसला नहीं है। तो अभी जो है वो ओमिक्रॉन की वजह से जो है वो चाइना ने कोई ज़्यादा जो है वो सख्ती वगैरह नहीं की, लेकिन अलबत्ता जो है वो आज ग्रुप में एक मैसेज आया हमारे, तो उसमें टीचर ने बताया है कि आपको जो है वो ट्रेवल नहीं करना, मतलब कि अपने सिटी को छोड़ के किसी और सिटी में नहीं जाना, क्योंकि कुछ ज़्यादा केसेस आए हुए हैं बीजिंग और शंघाई और दूसरे सिटीज़ में, तो उस वजह से जो है वो इन्होंने यहाँ पे थोड़ी सख्ती कर दी है कि आपको जो है वो बगैर बताए, मतलब कोई आपका कोई ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट या कोई अर्जेंट काम नहीं है किसी दूसरे सिटी में, तो आपको जो है वो दूसरे सिटी नहीं जाना, मतलब सिटी को छोड़ के। तो ये है आज तक की वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। यहाँ पर जो है वो चाइना में मास्टर्स स्टूडेंट की जो है वो लाइफ किस तरह होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।